आज के इस वीडियो में हम आपको और दो सिटीज के बारे में बताएंगे। वो जितना पॉपुलर नहीं है, लेकिन ये दो सिटीज जो है बहुत इडन जम्स है। इधर बहुत सारा कल्चर है, बहुत सारे चीज आपको देखने के लिए मिलेगा। वो है, एक सिटी है वेरोना और एक सिटी है पदोवा। ये बहुत नजदीक है वेनिस से। हम आज आपको बताएंगे इधर कैसे आप पहुंच सकते हैं और क्या देख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ये सब ये वीडियो में आपको बताएंगे। और आपको वेनिस के बारे में पूरा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है। नाउ इट इज टाइम टू गो टू वेरोना, सिटी ऑफ रोमियो एंड जूलियट। वेनिस से वेरोना जाने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है ट्रेन से जाना है। बहुत सारे डायरेक्ट ट्रेन अवेलेबल है। ये आपको पड़ेगा 10 यूरो पर पर्सन और आपको ज्यादा से ज्यादा 1.5 घंटा लगेगा। जैसे हम वेरोना के रेलवे स्टेशन के बाहर आ गए तो बहुत बड़ा लोकल बस स्टेशन दिख जाता है। मगर जब हम वेरोना गए थे तब स्टेशन के सामने कुछ डिस्प्ले चल रहा था और हमें ये बड़े से इजिप्शियन स्कल्पचर्स देखने का मौका मिला। इस पिक्चर में हमने वेरोना में देखने लायक जगह का लिस्ट किया है। अगर देखा जाए तो वेरोना में देखना जैसा मस्ट जो चीज है वो वेरोना अरेना है और शेक्सपियर की सबसे बड़ी कृति रोमियो जूलियट का सेट जो है पूरा वेरोना सिटी में है। आप ये वीडियो देखते रहिएगा, हम आपको दिखाएंगे ये सेट का लोकेशंस। सारे जो टॉप अट्रैक्शन जगह है वो सिटी सेंटर के पास है और ये वेरोना स्टेशन से लगभग 3 से 4 किलोमीटर दूर है। आप यहाँ मेंशन किया हुआ कोई भी बस ले सकते हैं। बस का जो डे टिकट है वो आपको पड़ेगा 3.5 यूरो पर पर्सन तक। एक बार आप सिटी सेंटर पहुँच गए तो उसके बाद सारे जो लोकेशंस है वो एक दूसरे से काफी नजदीक है तो आप आराम से चलते चलते ये देख सकते हैं। जब आप इटली में जाते हैं प्याजास में बैठ के चाय पीना मत भूलिएगा। जब आप वेरोना में हैं, हम आपको ऐसे सबसे बढ़िया दो जगह रेकमेंड करना चाहते हैं, पियाज़ा दे सिग्नोरी और पियाज़ा देले एर्बे। अगर आप सोविनियर खरीदना चाहते हैं तो ये मार्केट आपके लिए सबसे बढ़िया है क्योंकि ये रोमन टाइम से ही बहुत मशहूर है। अभी हम लोग सिटी का जो मेन अट्रैक्शन है वो देखने के लिए चलते हैं। सबसे मशहूर ब्रिटिश पोएट विलियम शेक्सपियर कौन नहीं जानता। इनके सबसे फेमस नॉवेल रोमियो जूलियट का स्टोरी वेरोना में ही हुआ था। रोमियो एंड जूलियट एक निज जीवन आधारित स्टोरी है। 1303 में एक दूसरे के लिए वो मर गए क्योंकि उनका फैमिलीज जो थे लड़ रहे थे। शेक्सपियर को एक पोएम के तरीके से ये स्टोरी पता चला, बाद में बहुत बढ़िया ट्रेजिक नॉवेल लिख डाला। जैसे आप बहुत सारे मूवीज में देख सकते हैं, ये है रोमियो का घर। आजकल ये एक प्राइवेट पैलेस जैसा बनाया है, आप इसके अंदर नहीं जा सकते हैं, बट एक मेडिवल बिल्डिंग को आप बाहर से देख सकते हैं। अभी यहाँ से दूसरी गली में है जूलियट का हाउस, तो चलिए फिर देखने चलते हैं। हमको जूलियट हाउस जो है बहुत इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि उधर सारे एज के लोग आए थे। हम जूलियट हाउस के अंदर नहीं गए क्योंकि आजकल एक म्यूजियम है उधर, देखने जैसा उतना खास हमको कुछ नहीं लगा। हम ज्यादातर टाइम जो वेरांडा में बिताया, सो उधर एक जूलियट का प्रतिमा है, हम उधर थोड़ा फोटोज खींच लिया। बाद में एक लव पैडलॉक का वॉल है, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। और नेचुरली जैसे हमने ऑलरेडी बताया उधर एक लेटर का भी वॉल है, जो उधर का माहौल बहुत अच्छा लगा। अभी हम जाएंगे वेरोना अरेना देखने के लिए। इसको 1st सेंचुरी में एक रोमन एम्पीथिएटर करके बिल्ड किया गया था। बहुत पुराना लगता है सुनने के लिए, बट ये आज भी यूज में है। यहाँ पे इंटरनेशनली फेमस ओपेरा परफॉर्मेंस वगैरह होता है। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं रॉकस्टार मूवी का सीन, जहाँ पे रणबीर कपूर जो है वो दौड़ते हुए जा रहे हैं नादा परिंदे गाने के लिए वेरोना अरेना थिएटर में। ऐसा यहाँ पे दिखाया गया है। हम अरेना देखने के बाद वेरोना के नदी अडिगे के किनारे पर वॉक पे चले। इस नदी के ऊपर बहुत सारे ब्रिजेस बनाया गया है। इन सभियों में सबसे फेमस है कास्टेलोचियो ब्रिज। जैसे लगभग सभी यूरोपियन सिटीज में बहुत सुंदर चर्चेस होते हैं, इधर भी बेसिलिका ऑफ वेरोना बहुत सुंदर है। अगर आपके पास टाइम है तो उधर भी जा सकते। इन सब के बीच ये मत भूलिएगा कि आप है इटली में और आप ओरिजिनल इटालियन पिज़्ज़ास और पास्तास खाना मत भूलिएगा। अब हम चलते हैं हमारा अगला सिटी पड़ोवा देखने। दुनिया का पहला एनाटॉमिकल थिएटर पड़ोवा में बना था और सबसे मशहूर एस्ट्रोनॉमर गैलीलियो गैलीली पड़ोवा के यूनिवर्सिटी में 20 साल प्रोफेसर थे। वेरोना से पड़ोवा जाने के लिए आप ट्रेन ले सकते हैं। ट्रेन आपको सिर्फ 1 घंटे में लेके जाएगा। ये आपको पड़ेगा लगभग 8 यूरो से भी कम पर पर्सन के हिसाब से।
पड़ोवा में लोकल ट्रांसपोर्ट बहुत ही बढ़िया है। जैसे ही आप पड़ोवा स्टेशन से बाहर आएंगे, आपको वहीं पे ट्रैम मिलेगा जो आपको डायरेक्टली आपका फर्स्ट अट्रैक्शन के लिए लेके जाएगा, वो है बेसिलिका ऑफ सेंट एंटोनी। ये जो चर्च है वो रोमन कैथोलिक चर्च है और ये दिखने में भी बहुत ही सुंदर है। हमारा नेक्स्ट स्टॉप है एबी ऑफ संता गुस्टीना। ये जगह इधर से 700 मीटर दूर पे है, आप चल के भी जा सकते हैं। आप चलते चलते और एक अच्छी सी जगह आप कवर सकते हैं, वो है बोटनिकल गार्डन ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ पड़ोवा। ये जो है 1545 में इसको बनाया गया था। ये दुनिया का सबसे पुराना एकेडमिक बोटनिकल गार्डन है। आज तक ये जगह को पूरा अच्छी तरीके से मेंटेन किया गया है, आपको बहुत अलग अलग तरह के प्लांट्स को देखने के लिए मिलेगा। अभी चलते हैं हम एबी ऑफ संता गुस्टीना। इस जगह का बिल्डिंग 10 सेंचुरी में बना था, आज तक ये बहुत अच्छे कंडीशन में आपको बहुत पुराना आर्किटेक्चर देखने के लिए मिलेगा। एबी के आगे आपको देखने के लिए मिलेगा प्राटो डेला वाले। ये स्क्वायर जो है इटली का सबसे बड़ा स्क्वायर है और यूरोप का सबसे बड़ा स्क्वायर्स में भी एक माना जाता है। ये लगभग 90,000 स्क्वायर मीटर है और इस स्क्वायर में आपको एक कैनल भी बनाया गया है। बहुत सारे इधर के बहुत फेमस पर्सनालिटियों के पुतले भी लगाए हैं और इधर वॉक करने के लिए बहुत अच्छा लगा हमको, हमने तो पूरा एंजॉय कर दिया इधर। पड़ोव बहुत ही सुंदर जगह है, हम जितने जगह बताया उसके अलावा भी बहुत सारे सुंदर जगह है। अगर आपके साथ बहुत टाइम है तो आप और भी जगह एक्सप्लोर कर सकते हैं। हमको तो हमारा फ्लाइट पकड़ना है, इसलिए हमारा ट्रिप इधर ही खत्म हो गया। हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो देख के वेरोना और पड़ोवा जाने का मन जरूर किया होगा, क्योंकि ये बहुत ही फेमस जगह है इटली का। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।